तो गाड़ी कौन घुमाएगा फिर? अरे आने दो ना, समय क्यों लगा रहे हो इतना? मैं जाने दो, आहिस्ता आहिस्ता पीछे से। फिर भी आप स्टीयरिंग को और गाड़ी सीधी देखने लग जाओ, सीधी कर लो गाड़ी को। गाड़ी में इतना डिस्टेंस भी छोड़ना है आगे वाला, करना क्या बोले तो उसकी फिर लेना है या क्या करना है? हाँ जाने दो, क्योंकि स्टीयरिंग को तो हिलाना ही नहीं है, छोड़ने वाला है ना। अरे आने दो ना, समय क्यों लगा रहे हो इतना? आधा घंटा ज्यादा ले सकते हो मेरे से, लेकिन उसके लिए आपका क्या कह रहे हो? जाने दो, सायरन का आवाज आने लग जाओ, ट्यू 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 तो रोक लेना वहां पर। हर गियर में क्लच दबाना कंपलसरी है। ब्रेक लगाने से पहले उतना ही ब्रेक लो जितना आपको आवश्यकता हो, तो आवश्यकता आपको समझनी पड़ेगी। सामने मोड़ आना, लेफ्ट साइड में आना, आहिस्ता आहिस्ता पीछे से रिवर्स, ये चीजें कवर करवाता हूं। गाड़ी सीधी देखने लग जाओ, सीधी कर लो गाड़ी को। गाड़ी में इतना डिस्टेंस भी छोड़ना है आगे वाले को, फटक भी बोले तो उसकी फटक भी नीचे गाड़ी। हां लेफ्ट साइड में लेना। हां जाने दो, यूं क्यों स्टीयरिंग को तो हिलाना ही नहीं है। अरे आने दो ना, समय क्यों लगा रहे हो इतना? घुमाना, जिससे गाड़ी को घूमने देना। आप लोगों को गाड़ी घूमने के बाद गाड़ी सीधी देखने जाने दो, सायरन का आवाज आने लग जाओ, ट्यू 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 तो रोक लेना वहाँ पर। और सीधी करने के बाद आपका हाथ हमेशा कभी स्टीयरिंग से आप